हेलो दोस्तों, फाइनली KTM की 250 एडवेंचर को 2022 एडिशन में आज लॉन्च कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि KTM की 390 एडवेंचर भी है, जो कि हायर सेगमेंट में है और ज़्यादा पावर उसमें मिलता है, बट वो थोड़ा प्राइस हाई हो जाता है। तो इसको कंपनी ने मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने नवंबर 2020 में KTM 250 एडवेंचर को फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च किया था। तो अभी 2022 एडिशन में आपको KTM की आने वाली जो आ चुकी है मार्केट में, आने वाली है कुछ दिनों बाद, जो KTM की 2022 250 एडवेंचर है, इसमें क्या चेंज किया है कंपनी ने, इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। साथ ही इसका प्राइस कितना होने वाला है, EMI स्कीम आपको इसमें कितना रुपये से होने वाला है, और भी कुछ जो डिटेल्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो 2022 एडिशन में KTM की जो 250 एडवेंचर है, इसमें आपको दो कलर स्कीम देखने को मिलता है, जो कि ऑरेंज कलर है। KTM की तरफ से अगर माने तो कंपनी ने इसको नाम दिया है इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज। तो ये एक ऑरेंज कलर में है और एक दूसरा है ब्लू कलर में, कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। ये अभी जितने भी आप देखेंगे, KTM ने अभी हाल ही में 2020 एडिशन में RC सीरीज में 125 और 200 को लॉन्च किया था। तो उसमें आपने देखा होगा कि ब्लू कलर कहीं भी नहीं है। KTM की 250 एडवेंचर में फर्स्ट टाइम ब्लू कलर इंट्रोड्यूस किया गया है। बट मैं आपको यहाँ भी बता दूँ कि आने वाली जो 390 एडवेंचर है, उसमें भी आपको ब्लू कलर ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। तो कंपनी ने अभी 250 एडवेंचर में ये दो कलर ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए हैं, जो कि आने वाले 390 2022 एडिशन में भी कंपनी ब्लू कलर को लॉन्च करने वाली है। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा चेंज इसी में देखने को मिलेगा, जो कि कलर में है। साथ ही कंपनी ने इसका जो बुकिंग है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से स्टार्ट कर दिया है। सारे शोरूम से आप जाके इसकी बुकिंग करवा सकते हैं और आने वाले ये 10 से 15 दिन में ये शोरूम तक मिल जाएगी। और इसका वर्क अराउंड वीडियो में मैं आपको चैनल पर सबसे पहले दिखाने की कोशिश करूंगा। साथ ही इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो प्राइस वही बिल्कुल सेम रखा गया है। आपको 2,35,000 एक शोरूम इसका प्राइस होने वाला है। और वहीं अगर इसके EMI ऑप्शन के बारे में बात करें, जो कि कंपनी ने फाइनेंशियल ऑफर दिया हुआ है कि आपको EMI जो पड़ेगा हर मंथ, आपको 6,300 रुपये से EMI आपको मिलने वाला है इस बाइक को अगर आप परचेज करते हैं फाइनेंस में। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कलर तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। साथ ही ये जो KTM 250 एडवेंचर, ये 390 एडवेंचर प्लेटफॉर्म पे ही बेस इसको बनाया गया है, जिसका डिजाइन जो है डकार रेसर है, जो KRM जो 250 रैली होता है उसमें इसको उसी बेस पे इसको बनाया गया, जो कि ये लाइट वेट होता है और हाईली स्टेबल होता है। ट्रेंस वगैरह में आप जब चलाते हैं इसको तो काफ़ी ये कंफर्टेबल और स्टेबल रहता है। साथ ही इसमें बोल्ट ऑन सब फ्रेम पे ये इसको बनाया गया है। और वहीं इसके डायमेंशन के बारे में बात करें तो इसका जो लेंथ है 2154 mm इसका बनाया गया, और साथ ही इसका जो विथ है वो 900 mm बनाया गया है। इसका जो हाइट है वो 1263 mm बनाया गया है। व्हील बेस 1430 mm आपको देखने को मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है एडवेंचर के हिसाब से, जो कि 200 mm आपका इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। और इसका ड्राई वेट 156 kg, जो कि काफ़ी लाइट वेट हो जाता है। वहीं पेट्रोल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो 14.5 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलने वाला है। और वहीं माइलेज इसको लगभग 400 किलोमीटर का इसमें माइलेज मिल जाता है फुल टैंक पे। साथ ही इसमें जो फ्रंट का व्हील है वो आपको 19 इंच का देखने को मिलने वाला है। रियर का व्हील आपको 17 इंच का देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे 10 जो एलॉय व्हील है उसमें 10 स्पोक दिए गए हैं। साथ ही इसका जो व्हील्स बनाया गया, ये पहले के मुकाबले में पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है 2022 एडिशन में। और यहाँ पे हैंडलिंग बार काफ़ी कंफर्टेबल बनाया है, जो कि आपको अपराइट देखने को मिलने वाला है, जो कि थोड़ा सा ऊंचा आपको देखने को मिलने वाला है। और विंडशील्ड भी इसमें आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी बड़ा विंडशील्ड आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, जो कि अपने हिसाब से जो ABS है उसको आप स्विच ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और अगर वहीं इंजन के बारे में बात करें तो सेम इंजन इसमें रखा गया है, 248 cc का और 4 valve सिंगल सिलेंडर BOSC वाला इंजन आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक FI पे ये काम करती है। साथ ही अगर इसके पावर के बारे में बात करें तो 13 HP का आपको पावर मिल जाता है और 24 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। 6-speed गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। स्पेक्स वगैरह सारा कुछ सेम रखा गया है। कलर में आपको चेंज देखने को मिलेगा और व्हील जो एलॉय व्हील है उसमें थोड़ा सा मजबूती ज़्यादा प्रदान किया गया है। साथ ही इसमें AC स्लिपर क्लच मिलता है, जिसके आपको जो स्मूथ राइड और जर्क नहीं फील होगा।
और साथ ही इसमें सस्पेंशन में आपको 43 mm का WPFX का इन्वर्टेड फोक सस्पेंशन मिलता है, और जो कि फ्रंट में 170 mm तक जो ट्रेवल करता है, जो सस्पेंशन है वो 170 mm तक ट्रेवल होता है, जिससे आपको जर्क जो है काफ़ी कम महसूस होता है। और रियर में भी आपको WPFX के मोनोक्सेस सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि 10 times एडजस्टेबल है। वहीं अगर इनके फ्रंट के ब्रेक के बारे में बात करें तो बैब्रिक आपको 320 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, रियर का 230 mm का रियर डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ मतलब ये बेसिक से क्विक से मैं इसको इन्फॉर्मेशन आपको बताने की कोशिश किया हूँ। अभी जो है इसका वर्क रन वीडियो हम जल्दी अपने चैनल पर लाने वाले हैं। साथ ही मैं बता दूँ कि रिसेंटली अभी बेनेली ने भी TRK 251 को लॉन्च किया है, जो कि वो भी एक प्रॉपर एडवेंचर बाइक है। और बेनेली जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी ये प्रीमियम सेगमेंट के भी बाइकें बनाती है और स्ट्रॉन्ग बाइक बनाती है, और लुक वाइज देखें तो काफ़ी तगड़ा टक्कर होने वाला, क्योंकि बेनेली का लुक मुझे KTM 250 एडवेंचर से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेम वगैरह देखने को मिल जाता है, काफ़ी ब्रॉड वो थोड़ा सा लगता है। तो ये कुछ आपको चेंज देखने को मिलने वाला है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ब्लू कलर कैसा लगा। जहाँ तक मुझे पता है नया थोड़ा सा कलर आया, तो थोड़ा सा ये हमें अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा सा कंपनी ने ऑफर दिया है कि चलो ऑरेंज के साथ हम ब्लू कलर को भी एडवेंचर 350 में 250 में ले सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट था, चलिए मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए करते हैं हम इस वीडियो को यहीं पर एंड, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।